तब निर्दोष आदिवासियों की रिहाई को लेकर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार निर्दोष आदिवासियों की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता आदिवासियों की फर्जी गिरफ्तारी पर प्रशासनिक अधिकारियों को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोगी भी आदिवासियों की गिरफ्तारी पर भाजपा और कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। है उनके कदम ही माने जाएंगे। सरकार का मतलब मुख्यमंत्री से है, कैबिनेट से है, और अगर उनके शासनकाल में निर्दोष अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया तो इसके लिए अधिकारी दोषी है नहीं है इस विषय पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर मुख्यमंत्री उनका मंत्री परिषद पूर्ण रूप से सामूहिक जवाबदारी के सिद्धांत के अंतर्गत दोषी है।